तो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पूर्वांचल में थे गोरखपुर में, तो क्या संदेश देने की उन्होंने कोशिश की, ये जरा आप समझ लीजिए। जी हाँ, देखिए क्या संदेश था जेपी नड्डा के इस दौरे में और इनकी तमाम बातों में। भाजपा का पूरा अभियान बेहद आक्रामक होगा, इसकी एक झलक भी आपने देख ली। आर पार की लड़ाई में हर दिन सपा पर हमले होंगे, अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा जाएगा। सपा के अल्पसंख्यक दावों के जवाब में हिंदुत्व काट, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के हर दाव की काट और हर मुद्दे पर दो दो हाथ की तैयारी। विकास और भावनात्मक मुद्दों के लिए अलग अलग रणनीति, हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय नेताओं को आगे करना, बूथ स्तर पर मैनेजमेंट में विरोधियों को काफी काफी पीछे छोड़ना, क्योंकि आज पूरे पूर्वांचल के तमाम जो बूथ अध्यक्ष हैं उनका सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया था, और कमजोर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में सबसे बड़ी तैयारी का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया है। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश लगातार जुड़े हुए हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट। अभिज्ञान, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह के संकेत जेपी नड्डा ने दिए, योगी आदित्यनाथ ने कहे, काफी आक्रामक उनका दिखा आज रवैया, और फिर एक बार फिर से सीधे तौर पर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, यहां पर एक बात आपसे ये समझना चाहते हैं, दर्शक भी समझना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस संकट को, इस बात को समझती है कि अगर बाइपोलर चुनाव होता, जैसे हमने एक बार पहले भी जिक्र किया था, तो उसका जो सत्ता विरोधी वोट है वो एक तरफ आ सकते हैं, जिसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके आज फिर से देखिए कोई कांग्रेस का नाम नहीं, कोई बीएसपी का नाम नहीं, सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए दोनों नेता दिखे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री भी। क्या कहना है? देखिए एक ऐसे दिन जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के कार्यक्रम का, तो ये तो बड़ा क्लियर है कि मुलायम सिंह यादव खुद भी ये देख रहे होंगे कि बीजेपी ने ये डिक्लेयर कर दिया है, मतलब राजनीतिक तौर पर, जब डिक्लेयर करना मैं कहता हूँ तो उसका मतलब नहीं कोई औपचारिक घोषणा या विज्ञापन होने की जरूरत है, कि उनकी राजनीतिक लड़ाई है अखिलेश यादव से, तो उस सेंटर स्टेज पर एज प्रिंसिपल ऑपोजिशन तो ऑलरेडी अखिलेश यादव आ गए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देखिए जब भी बीजेपी ये परिवारवाद 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 करती है ना, तो बहुत नाम गिनवा देंगे, और आप भी बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि बीजेपी में कितना परिवारवाद है। तो बीजेपी सोचती है कि बाकी लोगों को मालूम नहीं है कि इनके अपनी पार्टी में इनके नेताओं को के बच्चों को कैसे प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो ये परिवारवाद का तो कोई डिबेट ही नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में MPs है, मतलब आप इतनी लंबी लिस्ट है, बिल्कुल, जिनके पिता जो है और कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ पिता नेता थे, तो हर बार ये बताना अरे आम कार्यकर्ता कहां से कहां पहुंच जाता है और ऐसा हो जाता है, या तो उन लोगों को सबको पार्टी से बाहर निकाल दे भी है भारतीय जनता पार्टी, जो लड़के उन्होंने अपने नेताओं के बनवाए हुए हैं मंत्री तक सरकार में। तो इसलिए ये पहले भी मैंने कहा है कि बीजेपी को नहीं डिस्कस करना चाहिए परिवारवाद सेलेक्टिवली, नहीं तो सबको बाहर कराए भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल, तो खुद तो परिवारवाद वो करती है और बाकी सब पे कहती है कि अरे परिवारवादी है ये, तो ये सब चीजें कम से कम जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है जेपी नड्डा, वो पार्टी प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, तो इन लोगों को ये अपने अंदर झांक कर देख कर बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अभियान।